नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल रोजगार विद प्रमोद पर। आइए दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी संख्या, जब कोई हमें संख्या दी जाती है तो हमसे पूछा जाता है कि उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसमें कितने विषम गुणनखंड होंगे, उसमें कितने कुल गुणनखंड होंगे, और ये भी पूछा जाता है कि हमसे कि उसमें उन गुणनखंडों का युग कितना होगा। तो आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसको हम लोग आज सीखने वाले हैं कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसे अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि जितने लोग इसको सीखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सबका इससे फ़ायदा हो सके। तो आइए हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपको एक संख्या दी जाती है, पेपर में आपको एक संख्या दी जाएगी और उसमें आपको पूछा जाएगा आपसे कि उसमें बताइए कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो पहले हम एक ही सवाल से, एक ही संख्या से, हम देखिए एक ही संख्या से हम इन सभी को सीखेंगे। यानी कुल हमसे पांच चीज़ें पूछी जाती हैं, हमसे कुल पांच चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए, एक संख्या दिया जाएगा 120, एक संख्या दिया जाएगा 120, ठीक है, 120 एक संख्या दी जाएगी, और इसी संख्या से हमसे पांच प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इस संख्या से कुल पांच प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला चीज आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, पहला प्रश्न हमसे यह पूछा जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न होगा यह पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कुल कितने गुणनखंड होंगे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। चौथा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे। जो पांचवा प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा कि बताइए इसमें गुणनखंडों का युग कितना होगा, गुणनखंडों का योग कितना होगा। इसमें से हमसे पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन पांचों प्रश्नों को कैसे निकालना है, कैसे हल करना है, कैसे हम पता करेंगे कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने इसमें कुल गुणनखंड कितने हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसे सीख ही जाएंगे। चलिए, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग करते क्या है, जो भी आपको संख्या दी जाएगी उसमें आपको सबसे पहले उसका आपको करना होगा अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो आप लोग इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 120 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 से हम 120 में भाग देंगे। जब आप लोग लघुत्तम निकालते होंगे तो इसी प्रकार से निकालते होंगे, और यही आपको नियम लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका अखंड निकालेंगे। तो जब इसको भाग देंगे आप लोग, दो से जब तक भाग जाता तब तक भाग देंगे, फिर दो से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा, दो से भाग जाएगा नहीं, इस बार 3 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो इसका गुणनखंड जो निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यह आ गया 2 × 2 × 2, 3 बार 2 आया है, और 1 बार 3 आया है, फिर 1 बार क्या आया है, 5 आया है। इसको गुणा करेंगे तो 120 ही बनेगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस गुणनखंड को आप लोग घात के रूप में लिख लेंगे। जैसे अगर यह 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, यानी 2 × 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 एक ही बार आया है, तो हम 3 पर लिख सकते हैं घात 1,
इसके बाद पांच, पांच एक ही बार आया है तो पांच पे हम लिख सकते हैं घात एक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अगर पूछा, आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए 120 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आपको क्या करना, सबसे पहला काम इसका अभाज्य गुणनखंड करना है इस प्रकार से, उसके बाद इसको घात के रूप में ऐसे लिख लेना है, ठीक बात। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इस सभी को क्या करेंगे, जो घात दिया रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो घात रहेगा उन्हीं घातों को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। जैसे इस पे तीन घात है, दो पर तीन घात प्लस पाँच पर एक, तीन पर एक घात है तो एक को जोड़ेंगे, प्लस पाँच पर एक घात है और एक को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से कुल आ जाएगा तीन चार पाँच, यानी इसमें 120 में अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, कुल पाँच बनेंगे, ठीक है, पाँच अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, ठीक। उसके बाद आपको फिर क्या लिखना होगा, अगर आपसे फिर प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए 120 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 120 को में कुल कितने गुणनखंड होंगे, काम वही करना है, जो भी इसका गुणनखंड होगा इसको फैक्टर घात के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी घात दिया रहेगा, जो भी घात दिया रहेगा उन सभी घात में एक एक जोड़ कर, एक एक जोड़ कर आपस में गुणा कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे देखिए तीन पर, दो पर तीन घात है, दो पर तीन घात है तो तीन में हम, तीन में हम एक जोड़ेंगे और फिर गुणे कर देंगे, तीन पर एक घात है तो एक में फिर एक जोड़ेंगे, आपस में गुणा करते चले जाएंगे इस प्रकार से। फिर पाँच पर एक घात है, पाँच पर एक घात है, एक घात प्लस एक इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तीन और एक चार, गुणे एक एक दो, गुणे एक एक दो, तो आ जाएगा, यह आ जाएगा चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह, यानी 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, सोलह। 120 में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, सोलह आ जाएगी। इसके बाद अगर आपसे एक प्रश्न में यह पूछा जाता है कि बताइए 120 में विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमसे अगर विषम पूछी जाती है तो हम यहाँ पर केवल और केवल उस संख्या को फोकस करेंगे जो संख्या विषम होगी, ठीक है, जो संख्या विषम होगी उसी को हम लोग फोकस करेंगे। तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें विषम संख्या क्या है, तीन और पाँच, विषम संख्या तीन और पाँच है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यही काम करना है कि जो विषम संख्या दिया होगा, जो विषम संख्या होगा उसमें जो घात रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, उन घात में एक जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे, तो यह पता चल जाएगा कि कितने विषम उसमें कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है। जैसे देखिए तीन पर घात एक है तो एक प्लस इसमें एक जोड़ेंगे, एक प्लस एक जोड़ेंगे, एक प्लस एक जोड़ेंगे, फिर गुणे गुणा करते चले जाएंगे। फिर पाँच पर एक घात है, पाँच भी विषम संख्या है, पाँच पर एक घात है तो एक घात और इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यह एक एक मिल के दो हो जाएगा, गुणे एक एक मिल के दो हो जाएगा, और आपस में जब गुणा करेंगे दो का दो में तो आ जाएगा चार। यानी हम कह सकते हैं कि 120 में विषम गुणनखंड कितने होंगे, चार। 120 में विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, चार। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता है कि बताइए 120 में कुल सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको करना है कि जो कुल कुल गुणनखंड आया है उसमें से अगर हम कुल गुणनखंड में से अगर हम विषम गुणनखंड घटा दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि उस संख्या में कुल कितने ऐसे सम संख्या, कुल कितने ऐसे विषम गुणनखंड होंगे। एक बार फिर से समझिए, जैसे अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए कि इस 120 प्रश्न संख्या दिया जाएगा, 120 पूछा जाएगा कि 120 में कुल कितने सम संख्या, सम गुणनखंड होंगे, तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो कुल गुणनखंड होगा उसमें से हम विषम गुणनखंड घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें सम गुणनखंड कितने हैं। देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 16। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 16, माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 4।
16 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 12, यानी हम कह सकते हैं कि 120 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए गुणनखंडों का योग कितना होगा, गुणनखंडों का योग कितना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड पर हम लोग घात लिखे हैं उसको हम लोग घात को एक एक घटाते क्रम में चलते घटाते चले जाएंगे और सभी को जोड़ते हुए चलेंगे। इस प्रकार से देखिए, जैसे 2 पर 3 घात है तो हम लिखेंगे 2 पर 3 घात प्लस, फिर 1 कम कर देंगे, 2 पर कितना घात, 2 घात, फिर प्लस 2 पर 1 घात, फिर प्लस 2 पर 0 घात, यानी अधिकतम घात से 0 घात तक लिखेंगे और आपस में जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, फिर इनटू, फिर 3 पर कितनी घात, 1 घात, फिर प्लस 3 पर कितना घात, 0 घात, फिर गुणा, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है, यहाँ पर गुणा ही होगा, फिर 5 पर 1 घात प्लस 5 पर 0 घात। ठीक, अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8 प्लस यह हो जाएगा 4 प्लस यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 1। ठीक, यह 8, 2, 10, 4, 14 और 1, 15 गुणे 4 गुणे 6। ठीक है, 15 चौको 60, 60 गुणे 6 करेंगे तो 360 निकल कर आ जाएगा। तो अभी हम लोग एक ही सवाल के माध्यम से पांचों प्रश्नों को हल किए हैं, यानी एक सवाल के माध्यम से पांच चीज़ें हम लोग सीखे हैं। क्या क्या सीखे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये भी सीखे हैं, विषम गुणनखंड कितने होते हैं ये भी हम लोग निकालना सीखे हैं, सम गुणनखंड कितने हैं ये भी हम लोग निकालना सीखे हैं, फिर हम ये भी सीखे हैं कि गुणनखंडों का योग करेंगे तो कितना योग होगा वो भी हम लोग निकालना सीखे हैं। आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक और इसी पर लगा लेते हैं हम लोग, एक और सवाल इसी पर हम लोग लगा लेते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया जाएगा, एक प्रश्न है 200, एक संख्या दिया गया है 200, ठीक है, 200 संख्या दिया गया है आपको, इस 200 संख्या से आपको इन पांच प्रश्नों का उत्तर बताना है। ठीक है, इस 200 संख्या दिया है और इसके माध्यम से हमें इन पांचों का हमें उत्तर बताना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यह हो जाएगा 100 दुना 200 होता है 25 चौका 100 होता है, यानी 2 तो हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 पर कितनी घात है, 2 पर 3 घात है और 5 पर कितनी घात है, 5 पर 2 घात है, 2 पर 3 घात और 5 पर 2 घात। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, जो भी घात दिया रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, 3 प्लस 2 तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 5। मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो घातों को जोड़ देंगे तो निकल क्या जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने के लिए जो भी घात है उसमें एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा 3 × 1 = 4 गुणे या 2 × 1 = 3। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 4 × 3 यानी 4 × 3 = 12। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12। विषम गुणनखंड की अगर बात करते हैं तो विषम संख्या, जो भी विषम संख्या रहेगी उसमें एक जोड़े के आपस में गुणा करते हैं, हालांकि इसमें एक ही विषम संख्या है तो एक ही विषम संख्या है उस पर घात कितना है, 2, तो 2 + 1 कर देंगे यह हो जाएगा 3, यानी हम कह सकते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 3। सम गुणनखंड निकालना है
कुल गुणनखंड में से विषम गुणनखंड घटा देंगे तो सम निकल जाएगा। अगर 12 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 9। इसके बाद गुणनखंडों का युग निकालना है, गुणनखंडों का युग निकालना है तो क्या करेंगे, घातों को घटते क्रम में लिख जोड़ते हुए चले जाएंगे। 2 पर 3 घात प्लस 2 पर 2 घात प्लस 2 पर 1 घात प्लस 2 पर 0 घात, ठीक है। इसके बाद कोष्टक में इसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर कोष्टक में फिर 5 पर 2 घात प्लस 5 पर 1 घात प्लस 5 पर 0 घात, ठीक बात। इसके बाद आप लोग इसको जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यह हो जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 1, 8 तो 10 15 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 31 हो जाएगा। 15 और 31 का आपस में जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 15 करने 15 हासिल 1 बचेगा, 15 या 45 और 1 46, यानी 465 इसमें अभा इसमें गुणनखंडों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सिखानी थी और आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोग सीख गए होंगे।